अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड का हलवा बनाने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम ब्रेड लेंगे, तो मैं यहाँ पे 8 ब्रेड के स्लाइसेस का यूज़ कर रही हूँ और इसके साइड्स को हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे बीच से भी कट कर लेंगे। यहाँ पर हम घी गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी आप इसे घी में ही बनाएं, इसी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो सारे ब्रेड के स्लाइसेस थोड़े थोड़े करके हम इसमें फ्राई कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसके साइड्स को चेंज कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी अपना कलर चेंज कर देते हैं, ये देखिए। अब हम इसे निकाल लेंगे, इसे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। सारे ब्रेड के स्लाइसेस को हम फ्राई कर लेंगे। अब हम पैन लेंगे और उसमें 1 कप शक्कर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1.5 कप दूध ऐड करेंगे। दूध ना ही ज़्यादा गर्म ले और ना ही ज़्यादा ठंडा ले। और इसके साथ ही 1/3 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अभी गैस का फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और 1 उबाल आते तक हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो ये देखिए 1 उबाल आ चुका है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना इसे स्किप कर दें। इसे ऐड करने से इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ब्रेड के स्लाइसेस को ऐड करेंगे और इसे इस तरीके से प्रेस कर करके चलाएंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है वरना ये नीचे से लग जाएंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ड्राई होना शुरू हो चुका है ये। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। आप चाहें तो गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर लें। इसे भी मिक्स करेंगे। अब जब तक कि घी ऊज आउट ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। इसे भी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे घी ऊज आउट हो चुका है, ये देखिए। गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया दानेदार हमारा ब्रेड का हलवा बनके रेडी हुआ है। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। अब हम इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करेंगे। तो है ना ये एकदम आसान रेसिपी, कितना इजी हमने इसे बना लिया और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो इस माह रमज़ान में आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।